हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द साइबर सिक्योरिटी लेक्चर सीरीज। एंड टुडे आई एम हियर। और आज का जो टॉपिक है हमारा, सिक्योरिटी थ्रेट्स टू ई कॉमर्स। आज हम सिक्योरिटी थ्रेट्स ई कॉमर्स के क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं और इंटरनेट कॉमर्स या फिर इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। रिफर टू बाइंग सेलिंग गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। मतलब कि कोई भी चीज को खरीदना, कोई भी सामान को खरीदना बेचना या सर्विसेज को खरीदना या बेचना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड मनी को ट्रांसफर करना, ट्रांजेक्शन करना, ये सब जब हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं तो इन सारी जो प्रोसेस होती है, इन सारी गतिविधि को हम बोलते हैं ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ओके, तो जब भी हमें इंटरनेट की हेल्प से या कंप्यूटर की हेल्प से जब भी किसी प्रोडक्ट या गुड्स को हम बाय करते हैं या सेल करते हैं या फिर सर्विसेज को बाय करते हैं, सेल करते हैं और मनी का ट्रांसफर करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तब इन सब चीजों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आफ्टर दैट थ्रेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कैन बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। एक तो एक्सीडेंटल हो सकते हैं, फर्स्ट जो पार्ट आता है आपका एक्सीडेंटल हो सकते हैं, पर्पसफुल हो सकते हैं एंड ह्यूमन एरर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एक्सीडेंटल जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट्स जो हो सकते हैं एक्सीडेंटल, विच मीन्स सपोज एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, ये कोई कस्टमर है, एक मर्चेंट है, बैंक है और ये अटैकर है। अब ये जो जितने भी है कस्टमर, बैंक, मर्चेंट, ये किसके थ्रू जुड़े हुए हैं आपस में, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को, डेटा को या फिर ट्रांजेक्शन को आपस में कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कस्टमर और जो बैंक होता है उसका आपस में एक दूसरे से लिंक होती है। ऑब्वियसली अगर उसको कोई चीज को सेल करना हो तो पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट का ऑप्शन जहां पर आएगा वहां पर बैंक से रिलेशन होना कंपलसरी है। आफ्टर दैट बैंक का मर्चेंट से रिलेशन होता है। ओके, एंड कस्टमर का डायरेक्ट मर्चेंट से भी यहां पर कनेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब अगर किसी कस्टमर ने इस मर्चेंट से अगर कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस को बाय किया या खरीदा और उसे पेमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प से अगर वो पेमेंट करता है, उस केस में अगर किसी कारणवश अचानक से अगर सर्वर डाउन हो जाता है, जब उसने कस्टमर ने पेमेंट का ऑप्शन क्लिक किया और मर्चेंट से पहुंच तक क्लिक करने से पहले या मर्चेंट तक पहुंचने से पहले एक्सीडेंटली या तो सर्वर फेल हो जाता है, ओके, या तो सर्वर फेल हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंटल एक्टिविटी हो जाती है जिसकी वजह से कि जो अमाउंट था वो मर्चेंट तक पहुंच नहीं पाया, तो इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं जहां पर आपका जो मनी का लॉस होता है एक्सीडेंटली होता है, ऐसे थ्रेट हो सकते हैं जो कि एक्सीडेंटल होते हैं। एक्सीडेंटल विच मीन्स, एक और बार बताता हूं आपको, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर किसी मर्चेंट को पेमेंट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और सपोज सर्वर फेल हो जाता है किसी कारण से और वो मनी उसको पहुंच नहीं पाता और कोई भी अटैकर जो होता है उसको अगर एक्सेस कर ले, उस केस में क्या होता है आपके पेमेंट का लॉस हो सकता है। आफ्टर दैट पर्पसफुल मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो इंटेंशनली, कोई हैकर या कोई इंट्रूडर इंटेंशनली आपके मनी को स्टील करने की कोशिश करता है, आपका जो पैसा होता है उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है किसी पर्पस से, इंटेंशनली, तो इस तरह के थ्रेट को हम बोलते हैं पर्पसफुल। ओके, आफ्टर दैट थर्ड थिंग कम्स ह्यूमन एरर। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एरर की। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने किसी मर्चेंट को पेमेंट सेंड किया और जब प्रोसेस हो रही थी उस प्रोसेस के दौरान ही अगर उस कस्टमर ने रिफ्रेश कर दिया या फिर उसकी प्रोसेस को कैंसिल कर दिया, उस केस में क्या होता है, उस केस में भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जो मनी जो ट्रांसफर मर्चेंट को कर रहे थे वो इंटरप्ट हो सकता है। तो इस तरह की जो अगर थ्रेट होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एरर की वजह से, ह्यूमन के फॉल्ट की वजह से, तो ऐसे थ्रेट को हम बोलते हैं ह्यूमन
एरर। ओके, तो ये तीन तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल में क्या होता है कि अगर कस्टमर मर्चेंट को पेमेंट सेंड कर रहा है और अगर सिस्टम इंटरप्ट हो जाए, आपका सिस्टम क्रैश हो जाए या फिर नेटवर्क सर्वर डल पड़ जाए, सर्वर बंद पड़ जाए, उसकी वजह से हो सकता है इस तरह का पर्पसफुल, जो कि इंट्रूडर या अटैकर किसी पर्पस से या फिर इंटेंशनली आपके अकाउंट से पेमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। और थर्ड इज ह्यूमन एरर, जो कि इंसान के द्वारा होता है। आफ्टर दैट अब हम देखते हैं और थ्रेट्स तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में, ई कैश में, क्रेडिट और डेबिट कार्ड में। नाउ अब हम इन तीन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जो कि थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को। एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेट द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए हमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि जब भी हम किसी के साथ में कोई डील कर रहे हैं, सर्विसेज को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो इंटरनेट की हेल्प से हम उसको पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और इसकी एक और एक डेफिनेशन यहाँ पर है, और इट इज़ अ वे ऑफ पेइंग फॉर अ गुड और सर्विस इलेक्ट्रॉनिकली इंस्टेंट ऑफ यूजिंग कैश और चेक। मतलब कि मैन्युअली अगर हम किसी को कैश देते हैं या किसी से कोई सर्विस या गुड्स को जब बाय करते हैं, तब उसमें हम क्या करते हैं, मैन्युअली या तो उसकी शॉप पर जाकर उसको हम पेमेंट देते हैं कैश में या फिर उसको चेक से पेमेंट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, हम इंटरनेट की हेल्प से या फिर किसी ऐप इंटरमीडिएट का यूज करके बिना चेक और बिना कैश की हेल्प से हम उस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर उस मर्चेंट को हम पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब हम बात करते हैं ई कैश की।